السلام عليكم. عايز تي كباي؟ चौधरी साहब नमस्कार। फेसबुक आवाज़ ठीक है? दीपक भाई सब खैर? आवाज आ रही है दीपक भाई? चले भाई, मुद्दे पे आता हूँ, ज्यादा टाइम लूंगा नहीं। और रोज बोलता हूँ ज्यादा टाइम लूंगा नहीं, लेकिन ज्यादा टाइम निकल ही जाता है। ये जानते हैं क्या है? इसको पप्पी बोलते हैं। पप्पी देखा है? देखा है पप्पी? ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज के पालतू कुत्ते जो रोटियों पे अपना उल्लू सीधा करते हैं ना, वैसे बहुत सारे पपीस कई उम्मीदवारों के घर के घेराव कर रहे हैं। तो सोचा मैं आप लोगों से 2 मिनट के लिए बात करूं। वालेकुम अस्सलाम भाई, सब लोगों को वालेकुम अस्सलाम। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब सबको मेरा सलाम नमस्कार सब। भाई देखो, तुम वोट किसी को भी दो, तुम्हारा उम्मीदवार नहीं जीत रहा है, पीरियड, छोड़ दो। और जो लोग डराने धमकाने के लिए निकले हुए हैं ना, तो जरा गौर से सुनो, तुम्हारे डराने धमकाने से कुछ होगा नहीं। कई कैंडिडेट्स को डराया जा रहा है। मैं फिर दोहरा के कहता हूँ, सबसे जो जो भी पालतू कुत्ते कैंडिडेट्स को डराने के लिए आ रहे हैं, उनसे कहता हूँ, और जो लोग वोट डालने के लिए निकल रहे हैं, मैं उनसे आज सीधे सीधे मैं पूछता हूँ तुम लोगों से, भाई तुम हारने वाले उम्मीदवार को क्यों वोट देने के लिए जा रहे हो? तुम किसी को भी वोट दो, तुम्हारा उम्मीदवार जीतेगा नहीं, तो तुम अपना वोट क्यों खराब कर रहे हो? भाई तुम अपना वोट क्यों खराब कर रहे हो? तुम चाहे भाजपा को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो, सपा को वोट दो, बसपा को वोट दो, या फिर कोई कुत्ते के भौंकने से तुम किसी और को वोट दो, फर्क नहीं पड़ता, तुम अपना वोट खराब कर रहे हो। क्योंकि तुम किसको भी वोट डालो, अब मैं वोट दंगे की चोट पे बोल रहा हूँ, अब तो किसी उम्मीदवार को जीतने नहीं दूंगा। तुमने ऑलरेडी अपने वोट सत्यानाश तो कर लिया, खराब तो कर लिए। तो आप सुनो शाहनवाज भाई, वेलकम सलाम भाई, तुम अपना वोट खराब मत करो, तुम अपना वोट खराब मत करो। हारने वाले प्रत्याशी को क्यों वोट दे रहे हो तुम? तुम्हें पता है मैं किसी को जीतने नहीं दूंगा। अब मैं जिद में आया हूँ, 2-3 दिन से मुझे धमकियां जो आ रहे हैं ना, और जो धमकियां देने वाले हैं वो भाई का आदमी हो, वो फलां का आदमी हो। अबे सुनो बे, सुनो, ये पालतू कुत्तों से कह रहा हूँ, सुनो, ऐसे कुत्ते मैंने बहुत पाले हैं, और ऐसी जात के कुत्ते पाले हैं जो वफादार होते हैं, तुम्हारी तरह बेईमान नहीं। तुम एक थाली में खाते हो, दूसरी थाली में छेद करने चले जाते हो, और तीसरी थाली को सर पे बिठाते हो। तो पालतू कुत्तों सुनो, गौर से सुनो, तुम्हारे जो जिन जिन से हड्डियां तुम्हें मिल रही ना, वो हार गए भाई, वो हार गए। तो ये पालतू कुत्ता बना छोड़ो, तुम किसके हड्डियां हुए अपनी रोटियां सेकने के लिए निकले हुए? तुम लोग ये बेवकूफ़ी करना छोड़ दो। और जो जो भी प्रत्याशी को डराने के लिए आ रहा है, वो फतेहपुर में उसको जुबेर को डरा रहे हैं, वहाँ पे
यूपी में 4-5 लोगों को डरा रहे हैं, वहां पे ओडिशा में डरा रहे हैं, वहां बंगाल में डरा रहे हैं। क्या चाहते क्या हो बे? जमानतें भी निकालूंगा नहीं, इतनी बुरी तरह से हराऊंगा, आप जमानत भी नहीं बचेगी तुम्हारी, जमानतें भी जब्त करवाऊंगा। और जाके बोल वो तड़ी पार को, जाके बोलना जिसने भी मुझे धमकी दी थी ना आज फोन करके, अबे सुन वो तड़ी पार को जाके बोलना तड़ी पार की अब जमानत भी मुंह काला करके फिराऊंगा गधे पे डाल के। और मीडिया वालों, तुम लोग यहां बैठ के मेरा वीडियो देखते हो, तुम्हारी पिछवाड़े में शर्म तो है नहीं? तुम लोग, हमारे यहाँ कहावत है हक के धोना नहीं आता, साले तुम लोगों को हक के धोना नहीं आता, तुम किसकी बात कर रहे हो बे? हैं तुम किसकी बात कर रहे हो? तुमको हक के धोना नहीं आता है सालो, चाटने के लिए निकले हुए हो कुत्तों की तरह, पैर तलवे चाट रहे हो। ये कोई आने वाला नहीं है, जिन जिन के तलवे चाट रहे हो ना तुम लोग, ये कोई आने वाला नहीं है, ये कोई आने वाला नहीं है। और 23 सारे कदम तुम लोग फिरोगे, शुजा शुजा सैयद सैयद करके तुम लोग फिरोगे। अरे भाई धमकियां आ रही हैं, बहुत ज्यादा धमकियां आ रही हैं, धमकाने वालों को शर्म हया तो है नहीं? हाँ धमकाने वालों को शर्म हया तो कुछ है नहीं ये लोग। अबे तुम लोगों को शर्म नहीं आती है भाई जो धमकी दे रहे हो? और मीडिया वालों, तुम लोग कितने कितनी अपनी मरवाओगे, कितनी मरवाओगे? इट वॉज सपोज टू बी अ पिलर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, अ प्रोसेस विच इज सपोज टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट। कितनी चाटोगे? ऐसे चाट रहे हो, ऐसे ऐसे चाट रहे हो। ये भी आजकल हाइजीन का ख्याल रखते हैं क्या? कर क्या रहे हो? कुत्ते बने हुए? अरे तुम लोग शर्म करो। और जो वोट डालने जा रहे हो भाई, अब मैं खुले में बोलता हूं, तुम अपना वोट खराब कर रहे हो। तुम हारे हुए प्रत्याशी को वोट डालने के लिए जा रहे हो, डालो, तुम अपना वोट खराब कर रहे हो। जब वहां पे वो लोग तुम्हारा बेवकूफ सलफेट बनाने के लिए बैठे हुए हैं, तुम वोट डालने जा रहे हो, क्या सोच के जा रहे हो भाई? तुम्हें क्या लगता है कि ये गठबंधन को जिता दोगे या भाजपा को जिता दोगे या कांग्रेस को जिता दोगे? ओए सुनो, तुम लोग अपना वोट खराब कर रहे हो, तुम लोगों को आदत हो गई छटवाने की। क्या कर क्या रहे हो? अरे तुमसे प्रत्याशी आके पूछ रहा है तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारे तुम्हारे हक के लिए ठहरने की बात कर रहा है, और तुम उसके साथ ठहरने के बजाय तुम दुम दबा के भाग रहे हो। क्यों? 4 गुंडे आ गए? बाहुबली क्या होता है? बाहुबली क्या होता है बे? बाहुबली है गुंडा होता है, गुंडा मर्डरर होते हैं ये साले। अबे तुम लोग किसकी भाई? अरे यार शर्म करो। जो बंदा तुम्हारे लिए ठहर रहा है, जो बंदा तुम्हारे लिए ठहर रहा है, कोई जात पात धर्म जाति नहीं, तुम्हारे लिए ठहर रहा है इंसानियत के नाते, तुम उसी को डराने के लिए ठहरे हो? और गठबंधन वालों, अब बताओ, तुम्हारी थाली तो मैं बजाऊंगा, जितने निकाले थे ना उतने की मारूंगा, आप तुम्हारी उतने की मारूंगा। अरे एहसान कर रहा था तुम्हारे ऊपर, एहसान कर रहा था मैं, चलो जाने दो, छोड़ो गठबंधन वाले हैं निकाल दो, एहसान कर रहा था तुम्हारे ऊपर। तुम लोग साले जर्फ नहीं है, तुम में जर्फ नहीं है, तुम अपनी बचाओ, जमानतें बचाओ साला। तुम 1,000 लोगों को ले जाके 15,000 20,000 25,000 लाख 2 लाख 5 लाख भी वोट डाल लो, पूरे वोट खा रहा हूं आप खा रहा हूं भाई, आप उखाड़ो, मैं यहां बैठा हूं, आओ उखाड़ो, तुमको किसी को जीतने ही नहीं दूंगा, और भाजपा की बजा रहा हूं, अब तुम्हारी भी बजाऊंगा, अब तुम्हारी भी बजाऊंगा। और ओ भाई साहब, जो जो वहां बैठ के
जो जिसकी है ना एक बाप की औलाद हो सालो, तो शर्म करो, तुम लोग चोर हो, बेईमान हो, बट्टेबाज हो, हराम खोर हो तुम लोग, लूटने वाले डाकू तो भी लूटने के लिए मुंह पे कपड़ा बांध के आते हैं, तुम तो शर्म आया कुछ है नहीं, नंगे होके आते हो सालो, नंगे होके आते हो, तुम डरा रहे किसको, डरा रहे हो बे प्रत्याशी को, डरा रहे हो, है तुम्हारी औकात, है तुम्हारी औकात, आओ खुले में आके एक प्रत्याशी के साथ दो दो हाथ करके देखो, चमाट मारेगा तुम्हारे कान के ऊपर, दूसरे कान तक सुनाई नहीं देगा तुमको, साला चार गुंडों को लेके आकर डरा रहे हो, किसको डरा रहे हो बे, हाँ किसको डरा रहे हो तुम लोग, और जो डर रहे हैं ना, अरे तुम लोग शर्म करो, तुम लोग शर्म करो, तुम्हारे लिए जाति के नाम पे तुमको काटा गया, धर्म के नाम पे तुमको काटा गया, साला जाति धर्म के नाम पे काटने वालों को सोचो, जो कट रहा है ना खून तुम्हारा, उदय रंग का है, काले रंग का है, कौन से रंग का है, इंसानियत है नहीं है तुम लोगों में, तुम किसको, भाजपा सपा बसपा की बात करो, कोई जीतने वाला नहीं है अब, कोई जीतने वाला नहीं है, तुम लोग हार रहे हो, तुम लोग जो इनकी गाने के लिए जा रहे हो ना वो तुम लोग हार रहे हो, जो वोट डालने के लिए काहे डाले भाई, अबे तुम लोग किसको भी डालो तुम्हारा वोट कोई काउंट नहीं करता है, अभी कोई काउंट नहीं करता है, सारी पॉलिटिकल पार्टियों को बताए ईवीएम की वजह से जीत रहे हैं या हार रहे हैं, तुम्हारे पास विकल्प दिया था, तुमसे वोट भी नहीं मांगा था, तुम डराने के लिए आ रहे हो, किसको डरा रहे हो बे, हैं किसको डरा रहे हो, और मेरे को ना धमकियां देना बंद करो, मेरे को ना धमकियां देना बंद करो, ये भाई के पास से फोन कर रहा हूं, वो बहन के पास से फोन कर रहा हूं, तुम खुद फोन कर रहे हो, यहां से वहां से फोन क्या करते हो बे, सल्फेट समझ के रखा है क्या, सल्फेट समझ के रखा गया, और भाई जो जो मंदिर के नाम पे बकवासें हो रही हैं ना, खाली मंदिर के नाम पे ना पॉलिटिक्स खेली जा रही है, ये भाजपा आरएसएस वीएचपी कांग्रेस बसपा सपा ये सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, सिर्फ अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, नई सरकार आ गई मैं ऑर्डिनेंस निकालता हूं, मैं ऑर्डिनेंस निकालता हूं, और हाँ इंडिया आ रहा हूं, इंडिया आ रहा हूं, आप पार्टी के भाग दौड़ मैं संभालूंगा, आ रहा हूं इंडिया, अबे तुमको ना अक्कल नहीं है, ये मंदिर वंदिर नहीं बनाएंगे, तुम्हारा बेवकूफ बनाएंगे, तुम्हारा बेवकूफ बनाएंगे, मंदिर 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 भाई, मंदिर के नाम पे सिर्फ तुम्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है, अपनी रोटियां सेकी जा रही है, तुम लोग अंधे हो बेवकूफ हो क्या हो भाई, क्या हो, 150,000 2,000 के लिए इनके चाटने के लिए ये बनने जा रहे हो आप लोग, ये क्या कहते हैं पप्पी कहते हैं हमारे यहाँ, अबे यार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, अजमत खान साहब गुस्सा इसलिए आ रहा है कि इनकी पिछवे से पिछवाड़े में से इतनी फटी पड़ी है, ये लोग ना अब हालत ये हो गई है इनकी कि अब कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो कैंडिडेट्स को डराने के लिए उनके घर का घेराव करने के लिए जा रहे हैं, अरे भाई हम किसी का देखो, तुम किसी को भी वोट दो तुम्हारा वोट अब काउंट नहीं करता, या तो अब आंख खोलो, तुम्हारा ये जीतने वाले को ले जाके वोट दो, नहीं तो तुम किसको भी वोट दो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी मर्जी, जीत रहा है तो अब जिसको जिसको डराने के लिए आ रहा है ना वो जीत के आ जाओ, उखाड़ो अब उखाड़ो, ये क्या है, अब की बार जनता की सरकार बेवकूफों की सरकार, अब की बार ये सरकार क्या है ना बेरोजगार भाई, ये सारे बेरोजगारों की सरकार है, ये सारे बेरोजगारों की सरकार है, वहां पे गांधीनगर के स्ट्रांग रूम में ईवीएम चेंज करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, भाई गांधीनगर वालों मैं तुमसे कहता हूं ये तड़ीपार से क्या डर रहे हो बे तुम लोग, अरे तुम लोग क्या फट्टू हो है? एक बंदा चार अकेला नहीं, क्या करेगा वो, एक बंदा चार गुंडों को लेके ठहरेगा, छाती तोड़ तोड़ ऐसे ये छाती तड़ा के ऐसे ठहरेगा, और तुम लोग डर जाते हो है, क्यों चार हाथ नजर आए, अवतार लेके पैदा हुआ है, अवतार लेके पैदा हुआ है, कर क्या रहे हो भाई है? ये गुंडों से डर रहे हो तुम लोग, अरे गुंडे हैं भाई गुंडे,
ये बाहुबली बाहुबली नहीं होता, निकालो चप्पल चमाट मारो इनके इनके यहां मारो और पिछवाड़े पे लात मारो हराम खोरों की, समझ रहे हो तुम लोग? मंसूर भाई मेरे मिजाज अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मैं वैसे सही कहा, थोड़ा क्या है ना, गुस्सा आता नहीं है भाई, गुस्सा आया तो मैं पी भी जाता हूं, लेकिन कमजोरों पे जोर आजमाइश करना ये यहां की फितरत हो गई है। कमजोरों पे सिर्फ जोर आजमाइश होता है, सिर्फ कमजोरों पे जोर आजमाइश होता है। मुझे एक बात नहीं समझ में आती है भाई, तुम लोग कमजोर कहां से हो? तुम्हारे पास सबसे बड़ी ताकत है, तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। तुम्हारे पास सबसे बड़ी ताकत है एकता की ताकत, और ना मंदिर के नाम पे सिर्फ रोटियां सेकी जा रही है। अब मैं यू नो आई एम अनाउंसिंग राइट अवे, जो सरकार आएगी वो मंदिर खुद बना के देगी, हमारी सरकार मंदिर बना के देगी। खत्म करो यार झंझट, खत्म करो यार। तुम मंदिर बनाना चाहते हो, पूजा करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है करो। अब वो मंदिर का जो चंदा आएगा ना, उससे अस्पताल और स्कूल बनाओ, यूनिवर्सिटी बनाओ, उसमें पैसा लगाओ। भाई कोई भगवान तुमको ये नहीं कहता, कोई भगवान तुमको ये नहीं कहता कि उसकी भी उसकी इबादत करो या पूजा करो या प्रार्थना करो, कोई भगवान नहीं कहता, कोई धर्म में ये लिखा हुआ नहीं है। ये राजनीति की जा रही है इसके ऊपर, तुम लोग देख नहीं सकते हो क्या? तुम लोग एहसास नहीं कर पा रहे हो कि ये अपनी रोटियां सेक रहे हैं, मुद्दे को जिंदा रखेंगे, तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे, इमोशनली तुम्हें बॉन्ड करेंगे भगवान के नाम पे। अरे बस करो यार, बस करो, चाहे वो मुसलमान पार्टी हो चाहे वो हिंदू पार्टी हो, भाई तुम्हारा इस्तेमाल किया जा रहा है, भाई तुम लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तुम लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तुम्हारी भावनाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है, धर्म के नाम पे जाति के नाम पे तुम्हारा इस्तेमाल किया जा रहा है। बस करो यार, बस करो यार, बस करो। तुम अपना कब तक इस्तेमाल करोगे? तुम क्या ये टिश्यू बने हुए हो? जनता हो, इंसानियत है तुम में, तुम क्या टिश्यू बने हुए हो? पोचा फेंक दिया, पोचा फेंक दिया, एक जाएगा तो उसके बदले में दूसरे को 10 को लेके आके ठहरा देंगे। तुम लोग तुम में जरी सलाहियत नहीं है यार, तुम लोगों में इंसानियत नहीं है तुम में। ये तुम्हारा इस्तेमाल हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है, तुम्हारा इस्तेमाल हो रहा है टिश्यू की तरह। क्यों? तुम अपने मां बाप की औलाद नहीं हो, तुम अपने मां बाप की औलाद नहीं हो, क्यों नेताओं का इस्तेमाल के अंदर आते हो भाई? तुम लोग क्यों नेताओं के इस्तेमाल में आते हो भाई? देखो मेरी हर पॉलिटिशियन के बारे में ये राय है, जो मुद्दों के ऊपर राजनीति करे ना, वो हराम का बच्चा है और कुछ भी नहीं। अपनी रोटी सेकने के लिए इंसानों की इंसानियत का इस्तेमाल हो रहा है, एक दूसरे को लड़ा के झगड़ा के मरवा के। ये लोग मुद्दे जिंदा रख रहे हैं भाई, मुद्दे जिंदा रख रहे हैं। तुम्हें अगर किसी भगवान की किसी रब की इबादत करना है तो यहां से होनी चाहिए, और ये साफ होगा ना, अगर दिल साफ होगा तो इबादत कबूल होगी। तुम अगर दिल में बुग्ज रखोगे, उसको मारना है, उसको काटना है, उसको नुकसान पहुंचाना है, अपना फायदा करना है, तो तुम कोई भी भगवान की प्रार्थना करो, इबादत करो, वो कबूल होने वाली नहीं है, वो कबूल होने वाली नहीं है भाई, वो कबूल होने वाली नहीं है। इंसानियत नाम की कोई चीज है, अगर दिल साफ रखो रे भाई, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम हारे हुए को वोट डालने जा रहे हो, ये कोई नहीं जीतने वाला, लिख लो ये कोई जीतने वाला नहीं है, ये कोई जीतने वाला नहीं है। तुम अपना वोट बर्बाद कर रहे हो। हमारे बारे में सुना नहीं था, क्यों भाई? YouTube पे देख रहे हो, Facebook पे देख रहे हो, Twitter पे देख रहे हो, सबने देखा, पिछले 4 साल से देख ही रहे हो, 5 साल से देख ही रहे हो, तुम लोग क्या चीज नहीं देखे हो कर रहे हो? क्या चीज नहीं देखे की बात कर रहे हो तुम लोग?
किस बात? अरे यार समझ में मुझे वाकई नहीं आता है। तुम लोग भाई ये डराना धमकाना छोड़ो, जितना डराओगे धमकाओगे उतना ज्यादा मैं प्रेशर से मारूंगा, जमानतें जब्त करवा दूंगा। अभी इलेक्शन खत्म नहीं हुआ है, अभी इलेक्शन खत्म नहीं हुआ है। तुम मुझे डरा रहे हो, चलो ठीक है, तुम प्रत्याशियों को डरा रहे हो ना। जितना ज्यादा तुम डराने के लिए आओगे उतनी ज्यादा तुम्हारी हालत खराब करूंगा, शर्म से डूब मरने वाली हालत करूंगा तुम्हारी, शर्म से डूब मरने वाली हालत करूंगा। क्योंकि साले तुम लोग चोर हो, बेईमान हो, तुम्हारे कच्चे चिट्ठे जितने भी हैं ना, जो संभालता है वो ही लेके आके बाहर फेंकेगा। और बस करो यार, ए भाई हिंदुस्तान के लोगों, भारतीय लोगों, इंडियंस, तुम लोग ना कोई टिश्यू पेपर नहीं हो, तुम लोग कोई टिश्यू पेपर नहीं हो कि कोई आया तुम्हारा इस्तेमाल करके चला गया, कोई दूसरा आया तुम्हारा इस्तेमाल करके चला गया। तुम ये बस करो यार, तुम लोग ना भाई बीजेपी को हटाओ, कांग्रेस को हटाओ, सपा को हटाओ, बसपा को हटाओ, ये पॉलिटिशियन जो करप्ट सिस्टम चला रहे हैं ना, उन सबको हटाओ। खाली राजनीति की जा रही है, मुद्दों के ऊपर खाली राजनीति की जा रही है, ये अपना पेट भरते हैं। तुम लोग गांव में रहने वालों की कोई इज्जत नहीं है क्या? वो इंसान नहीं है? कई लोगों ने मुझे बताया जो गांव गांव शहर शहर जाके प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी हालत देखो, तुम लोग जानवरों की तरह जी रहे हो। ये 70 साल हो गए इंडिया आजाद होके, 72 साल हो गए, तुम लोग जानवरों की जिंदगी जी रहे हो, क्योंकि ये लोग तुम्हें जानवर समझते हैं। तुम इंसान हो भाई, तुम इंसान हो, तुम्हारे भी दर्द होता है, तुम्हें भी भूख लगती है, तुम्हें भी प्यास लगती है भाई, तुम लोग इंसान हो, बस करो यार, तुम लोग इंसान हो, इंसान बन के जियो, इंसान हो, इंसान बन के जियो। धर्म जाति ये सिर्फ पॉलिटिशियन तुम्हारा इस्तेमाल करने के लिए धर्म जाति को लेके आता है। तुम लोग इंसान बन के जियो, जानवरों की तरह जिंदगी जी रहे हैं। कई फोटोज, कई वीडियो देखने के बाद में यहां ऐसा लग रहा है कि क्या है ये, इंसान है? आदिवासियों की जिंदगी जी रहे हो वो आप लोग? आप लोगों को इच्छा नहीं होती, आप लोगों को भूख नहीं लगती, आप लोगों को प्यास नहीं लगती, आप लोगों को सफाई नहीं चाहिए? ये लोग आप लोगों की जिंदगियों का सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, पात के नाम पे। अरे यार आप लोग टिश्यू बने हुए हो क्या? आप लोग गंदा कपड़ा बने हुए हो क्या कि आपका इस्तेमाल करेगा और आप इस्तेमाल करने दोगे? हाथ है आपको, 5 है उंगलियां, ये हाथ है, इसमें भी उंगली है, ये 2 आंख है, एक नाक है, एक मुंह है, दांत है, कान है, आप में जाति वाला हिसाब कहां से आ गया? धर्म वाला हिसाब कहां से आ गया? आंख खोलो, आंख खोलो। जब तुम्हें सही और गलत की पहचान है तो आंख खोलो। तुम एक मर्तबा जाति धर्म सब छोड़ के ये देखो, ये पॉलिटिशियन तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, एक बार इसको देखो। ये जात पात छोड़ो, अपने आप को चमाट मारो और यहां चमाट मारो और आंख खोल के देखो, जब तुमको चमाट पड़ रही है तो तुम्हें मार पड़ रही है या नहीं पड़ रही है? जब खोलो देखो, जब ये पड़ रही है ना, ये तुम्हें मार रहे हैं भाई, ये तुम्हें मार रहे हैं। आंख खोलो, तुम इंसान हो, आंख खोलो। ये तुम्हें जात पात के नाम पे डिवाइड करके, डिवाइड एंड रूल वाला इस्तेमाल करके तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं, तुम्हें चूस रहे हैं, चूस के फेंक रहे हैं तुम्हें। बस तुम लोग अगर खुद का भला नहीं करना चाहो तो कोई तुम्हारा भला नहीं कर सकता भाई। तुम लोग अपना भला नहीं चाह रहे हो क्या? तुम आंख खोलो, एक चमाट अपने मुंह पे मार के देखो, तुम्हें पड़ रही है ना, कोई दूसरा क्यों मारे तुमको? तुम अपने आप को मार के देखो। शायद मेरी भाषा तुम्हें समझ में नहीं आ रही। स्लैप योर सेल्फ, स्लैप योर सेल्फ, एक चमाट मारो, आंख खोलो, देखो, जात पात बाजू रखो, देखो तुम्हें स्लैप पड़ी? सारा दिन खाना मत खा के देखो,
कोई पॉलिटिशियन आके तुम्हें दोनी वाले खिला के जा रहा है, तुम दिन भर मंदिर में प्रार्थना करो तो भगवान क्या मंदिर से निकल के आके तुम्हारे मुंह में ठोंस रहे हैं निवाला? तुम्हें मेहनत करना है, तुम्हें अपनी रोटी खुद कमाना है, और तुम अपनी रोटी कमा के टैक्स पे कर रहे हो ये हराम खोरों को, और ये हराम खोर तुम्हारे पैसे खाते हैं। अरे सबसे बड़ा अंधापन क्या है यार? भड़वा मोदी, दलाल हेलीकॉप्टर में ब्लैक बॉक्स में भर भर के पैसे ले जा रहा है। किसके बाप के पैसे? तुम्हारे बाप के पैसे, तुम्हारी औलादों के पैसे। तुम लोग अंधे बने हुए हो, अंधे बने हुए हो। क्या है मोदी? मर्डरर, मास मर्डरर। इतने हजारों लोगों को बर्बाद करने वाला। अरे भाई ये गुंडे हैं, गुंडों की जगह जेल में होती है। बस करो यार, बस करो, आंख खोलो। और भाई मैं बोल रहा हूं तुमको, तुम अपना वेस्ट कर रहे हो, वोट वेस्ट कर रहे हो। जहां पे प्रत्याशी है हमारा वहां पे जाओ, उसको वोट दो। कम से कम मेरा थोड़ा तो काम सही करो यार, थोड़ा तो मेरी मदद करो। मैं कितना एक दिन भर रात भर, दिन भर रात भर, दिन भर रात भर तुम लोग मुझे उखाड़ के कुछ नहीं देने वाले। 4 दिन के बाद मैं भूलोगे, गाली दोगे। कम से कम अपना तो भला कर लो। भूल जाओगे तुम कौन सी जाति के हो, भूल जाओगे कौन से धर्म के हो, इंसानियत रख के बाहर निकलो। मेरी थोड़ी मदद करो, ये हराम खोरों को आप वोट मत दो, ये हराम खोरों को आप वोट मत दो। कम से कम मेरे को इतना तो दो यार कि भाई हाँ, मैं 1 लाख 2 लाख 3 लाख वोट काटने पड़ रहे हैं मुझे। कम से कम ये तो करो यार, थोड़े कम वोट डालो। और जो जो वोट डालने के लिए जा रहे हैं ना, एक बार जरा सोच के देखो तुम डालोगे या नहीं डालोगे। वोट तो मैं काटूंगा, कम से कम थोड़ी मदद करो यार मेरी। इतनी इतनी शराफत है तुम में, इतनी इंसानियत है तुम में, तुम चाहते हो तुमको सुकून मिले तो कम से कम इतनी तो हेल्प कर दो। अरे क्या है तुम लोग, तुम्हारे लिए भगवान उतर के आए, बोले मैं अवतार लेके आया हूं, तभी भी तुम लोग नहीं मानोगे। अरे हिंदू धर्म वालों, भगवान अवतार लेके आते हैं तो तुम्हारी भलाई के लिए आते हैं। अधर्म बढ़ेगा तो ही लगा लेके आएगा, एक्सेप्ट नहीं। मैं अवतार अवतार नहीं हूं, लेकिन तुम्हारे लिए अवतार से कम नहीं हूं। तुम्हें एक ऐसी नजात देने के लिए आया हूं जो तुम्हारा खून चूस रहे हैं। ऐसे एक भाजपा नहीं, कांग्रेस नहीं, सब ये यहां से वहां तक सब एक ही थाली के चट्टे हैं भाई। तुम्हारे लिए सुकून लेके आया हूं यार, कम से कम अपने लिए तो कर लो। तुम्हें भूख लगी तो मैं खाना खाया तो तुम्हारी भूख मिटेगी? अरे तुम्हारी इज्जत की रोटी लेके आया हूं तुम्हारे लिए, तुम्हारी इज्जत की रोटी लेके आया हूं, तुम्हारे लिए इज्जत की रोटी लेके आया हूं। और तुमको इज्जत की रोटी नहीं चाहिए, जिल्लत की लात चाहिए तुमको। अरे तुम लोग इंसान हो, इंसानियत से थोड़ा जी के देखो। इंसान हो, इंसानियत से थोड़ा जी के देखो। अरे फतेहपुर में आज आज गठबंधन वाले घेराव करे थे उसके घर का। भाई गठबंधन उखाड़ो, तुम्हारा जो उखाड़ना है। अब अखिलेश के भी पिछवाड़े पे लात मारूंगा, उसको भी जीतने नहीं दूंगा। माया के जितने भी किताबें हैं ना बहन जी, तुम्हारे किताबों के चिट्ठे जिसके पास है वो मेरे पास बैठा हुआ है। अरे बस करो यार, तुम लोग ना राजनीति खेल रहे हो, दूसरों का खून चूस के तुम लोग राजनीति खेल रहे हो। बस करो, हरामखोरी बस करो। वालेकुम अस्सलाम भाई। ओ देवेंद्र निकल यहां से, निकल यहां से साले हराम खोर। तेरे तेरे जो मोदी को भगवान बना के रखा हुआ ना, उसकी सीट बचा पे। गाली गलौज करेंगे, गाली गलौज करेंगे, क्योंकि ना ये ऐसे है ना सिराज भाई, जो जो भी गाली के लिए कह रहे हैं ना एमसीबीसी, ये सब करेंगे क्योंकि ये हिजड़े हैं। ठीक है, ये हिजड़े हैं, ये नामर्द हैं, ये साले ये नामर्द हैं, यहां बैठ के गाली दे सकते हैं, ये हिजड़े हैं।
हिजड़ा तो भी कम से कम बाहर निकल के थाली ठोक के भीख तो मांग लेता है, लेकिन ये लोग ना यहां बैठ के गोबर कर सकते हैं। इनके पास इतनी औकात नहीं है कि अपने अपने मोदी भगवान को जाके पूछ सके, भगवान तुम कितना चुरा के बैठे हो करके। साला भाई, मैं यहाँ पे देखा नहीं था कमेंट, और परसों भी कोई मैडम थी सुनने के लिए बोल रही थी, मैं ये देख नहीं पाया क्योंकि ये बंद पड़ा था, मैं देख नहीं पाया, तो माफ करना। खैर एनी वेज, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, आफियत से रखे। देखो भाई, थोड़ी मेरी मदद करो, ये जो बकवास करने वाले बकवास कर रहे हैं, जो घेराव करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको जीतने नहीं दूंगा। तो अब तुम्हारे हाथ में है, तुम लोग जाके या तो मेरी थोड़ी हेल्प करो, ये प्रत्याशी जीत गया है। तुम जिन जिन का घेराव करने के लिए निकलो है ना, वो जीत गया, वो जीत गया। तुम्हारे पिछवाड़े में अगर आग लगी है तो अपना पानी डाल के बुझाओ, डराने के लिए मत आओ। और जिस जिसने मुझे धमकियां दी है ना, वो धमकियां देने वालों, तुम अपने आखाओं की खबर बनाओ, क्योंकि अब उनको खबर भी नसीब नहीं होने वाली है। ये सबसे बड़ा पॉलिटिकल सुसाइड था इनके लिए, कि ये लोग अब जो हरकत करके छोड़े हैं ना, ये पॉलिटिकल सुसाइड था तुम्हारे लिए। तुम उखाड़ो मेरा जो उखाड़ सकते हो, मैं उखाड़ूंगा जैसे उखाड़ सकता हूँ इंशाल्लाह, और उखाड़ूंगा उखाड़ूंगा। चलो भाई, रखता हूँ। ऐसा है शमीम भाई, ये लोग किसी को वोट नहीं देंगे, ये लोग किसी को वोट नहीं देंगे। परमार भाई, ऐसा है ना, ईवीएम तो हैक हो रही है, बिल्कुल हो रही है। ईवीएम तो हैक हो रही है, ये लोग अब ऐसे तड़प के रह के रह जाएंगे, और कुछ भी नहीं। चलिए रखता हूँ भाई, डराने वालों अपनी अपनी जमानतें बचाओ, या तो खुद सपोर्ट में आओ या तो अपनी जमानतें बचाओ। और याद रखना, तुम हार रहे हो, और हारने के बाद में तुम्हारी जो फाइलें मैं खोलूंगा ना, वो जितने एसपी जो तुम्हारे ऊपर, जितने एसपी तुम्हारे जिले के, जितने एसपी जो ईमानदारी से तुम्हारे ऊपर खाटा खाट के बैठे हुए ना, वैसे एसपीज को मैं लगाने लगाऊंगा। चलो भाई, रखता हूँ, माजरत चाहूंगा, अगर किसी को बुरा लगे तो बुरा लगे तो बुरा लगे, ठीक है, जिस जिसको बुरा लगा है बुरा लगा है, छोड़ो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम अपनी जिंदगी बुराई में जी रहे हो, तुम अपनी जिंदगी बुराई जी में जी रहे हो। लेकिन हाँ, तुम्हारे हक में दुआ करूंगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें सोचने समझने की सलाहियत दे, और दूसरों का इस्तेमाल में आने के लिए तुम लोग खुद सोचो, तुम लोग खुद समझो। रखता हूँ भाई, जज़ाकअल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। YouTube वालों, इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों से बात होगी।